प्रिय दोस्तों, आज मैं आपके साथ कृष्णवाणी को साझा करना चाहूंगा, जो हमें यह बताती है कि श्री कृष्ण हमारे भीतर हमेशा विद्यमान हैं और हम उनके जीवन में एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं। श्री कृष्ण ने अपने दिव्य वचनों के माध्यम से बताया है कि हमें उनके प्रेम और गुरुत्वाकर्षण में रहना चाहिए और अपने जीवन को उनके उपास्य भक्ति में समर्पित करना चाहिए। आइए कुछ सरल एग्जांपल्स के साथ कृष्णवाणी को समझते हैं। प्रेम की अपूर्णता को पूरा करना। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि वे हमारे भीतर हमेशा विद्यमान हैं और हम उनके प्रेम के आदान प्रदान से अपने जीवन में खुशियों को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे अपने साथ रखो और मैं तुम्हें आध्यात्मिक धन की पूर्ति करता रहूंगा। यह बात समझाती है कि जब हम श्री कृष्ण के प्रेम में रहते हैं तो हमें आनंद और पूर्णता मिलती है। इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक व्यक्ति जब श्री कृष्ण के प्रेम में रहता है तो वह अपने जीवन की अपूर्णताओं को भगवान के प्रेम से पूरा करता है। उसे आत्मसंतुष्टि और आनंद मिलता है और वह दूसरों को प्यार और सहानुभूति से देखता है। इससे उसका जीवन धन्य और आनंदमय हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण में रहना। कृष्णवाणी में हमें यह सिखाया जाता है कि हमें गुरुत्वाकर्षण में रहना चाहिए, यानी हमें अपने जीवन में एक सत्पुरुष के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने कहा है, जब तक तुम गुरु के पैरों में बने रहोगे तब तक मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। इससे हमें यह समझना चाहिए कि हमें अपने जीवन में एक प्रामाणिक गुरु का चयन करना चाहिए और उनके मार्गदर्शन में चलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक शिक्षार्थी जब गुरु के पास जाता है तो उसे उच्चतम ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु के मार्गदर्शन में रहकर उसके विद्यालयी जीवन में सफलता मिलती है और उसे ध्यान और समझ में सुधार प्राप्त होता है। गुरु के उपदेशों के माध्यम से उसे आत्मविश्वास मिलता है और उसके भविष्य के लिए सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है। भगवान के सेवारत रहना। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित करना चाहिए। उन्होंने कहा है, अपने को मेरे लिए समर्पित करो और अपने सभी कर्मों को मुझ पर चढ़ दो। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने कर्मों को भगवान की प्रीति और आदर के साथ करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक समर्पित भक्त जब अपना जीवन भगवान की सेवा में समर्पित करता है तो उसे आत्मसंतुष्टि और शांति मिलती है। वह अपने कर्मों को भगवान की अर्पण के रूप में करता है और उसकी सेवा में जीवन बिताता है। इससे उसका जीवन आदर्शमय और पूर्ण हो जाता है। इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम सभी यह समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण वाणी हमें यह बताती है कि श्री कृष्ण हमारे भीतर हमेशा रहते हैं और हम उनके जीवन में एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं। हमें उनके प्रेम और गुरुत्वाकर्षण में रहना चाहिए और अपने जीवन को उनके उपास्य भक्ति में समर्पित करना चाहिए। हमें अपने जीवन की प्रत्येक पल में उनके साथ रहना चाहिए और उनके प्रेम का आनंद लेना चाहिए। इससे हमारा भविष्य, हमारा वर्तमान सभी आनंदमय और आत्मसंतुष्टि को प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही हमारा परिवार, समाज और देश भी सफलता की ओर आगे बढ़ता है। राधे राधे।